अमेरिका के अलास्का से बड़े हादसे की खबर सामने आई। ट्रेनिंग उड़ान से लौटते समय अलास्का में अमेरिकी सेना के दो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस साल अमेरिका में सैन्य हेलीकॉप्टर से जुड़ी ये दूसरी दुर्घटना है। अमेरिकी सेना अलास्का के एक बयान में कहा गया कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर हेली के पास दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे। हालांकि स्पष्ट नहीं था कि हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे या कितने लोग घायल हुए। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर फेयरबैंक्स के पास स्थित फोर्ट वेन राइट के थे। अधिकारियों ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और ज्यादा विवरण उपलब्ध होने पर इसे लेकर जानकारी दे दी जाएगी। इससे पहले फरवरी में ताल कीटना से उड़ान भरने के बाद एक अपाचे हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से दो सैनिक घायल हो गए थे। ये फोर्ट वन राइट से एनकोरेज में ज्वाइंट बेस एलमेंड्रॉफ रिचर्डसन की यात्रा करने वाले चार हेलीकॉप्टर में से एक था। वही इससे पहले मार्च में फोर्ट कैंपबेल केंटकी से लगभग 30 मील उत्तर पूर्व में एक नियमित नाइट ट्रेनिंग के दौरान दो अमेरिकी सेना ब्लैक हॉक मेडिकल इवैक्यूएशन हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 9 सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा जापानी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ओकिनावा के दक्षिण पश्चिमी प्रांत में रडार से अचानक गायब हो जाने के बाद क्रैश हो गया था। यह हेलीकॉप्टर एक मिशन पर जा रहा था और चालक दल के 10 सदस्यों को ले जा रहा था, जो अचानक जापानी सैन्य हेलीकॉप्टर के रडार से गायब हो गया, जिसके बाद से हड़कंप मचा। हर सत्र पर सेना हेलीकॉप्टर को ढूंढने में जुटी थी और फिर कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर के टुकड़े दक्षिणी महाद्वीप के पास मिले, जहां आज अमेरिकी सेना के दो हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं। वो हिली डेनाली नेशनल पार्क एंड प्रिजर्व के उत्तर में लगभग 10 मील या एंकोरेज के उत्तर में लगभग 250 मील पर स्थित है। हिली लगभग 1000 लोगों का समुदाय है, जो अलास्का के आंतरिक क्षेत्र में पार्क्स हाईवे पर स्थित है। ये पास के पार्क में रात बिताने के लिए लोगों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है, जो महाद्वीप के सबसे ऊंचे पहाड़ डेनाली का घर भी है। हिली उस शहर के पास होने के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसे बैंक काउंट्री में छोड़ दिया गया था और इनटू द वाइल्ड पुस्तक और उसी नाम की फिल्म द्वारा लोकप्रिय किया गया था। बाद में इस बस को हटा दिया गया और 2020 में फेयरबैंक्स में ले जाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।